हेलो माय फूडी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे KFC स्टाइल फ्राइड चिकन, जो बहुत ही जूसी और बहुत ही अच्छी बनती है, और ये एक नो फेल रेसिपी भी है। तो आइए शुरू करते हैं। KFC स्टाइल फ्राइड चिकन बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 लीटर मट्ठा या बटर मिल्क या लबान, इससे जो चिकन बहुत ही जूसी बनता है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून ऑरिगैनो। नमक, वन फोर टेबल स्पून काली मिर्च, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 होल चिकन। चिकन के पीसेस को इसमें डिप कर लेते हैं और इसको 4 to 6 आवर के लिए अच्छे से मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। मट्टी में मैरिनेट करने से चिकन जो बनता है वो बहुत ही जूसी बनता है और उस मसाले अंदर तक पहुँचते हैं। ये हमारे 6 घंटे हो गए हैं। अब हम चिकन के पीसेस इसमें से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीसेस निकाल लिए हैं। अब बारी सेकंड मैरिनेशन करने की। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून चिली सॉस। देखिए यहाँ पे मेरे चिली सॉस में थोड़ा सा वेनेगर था, इसलिए मैं वेनेगर ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपका चिली सॉस में वेनेगर ना हो तो आप इसमें 1/2 टीस्पून वेनेगर भी ऐड कर लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको 1 आवर के लिए और छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। आइए अब इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैदा, इस पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून मिक्स हर्ब इसमें ऐड कर ले रहे हैं, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जो हमारा जो चिकन है, अब इसके पीसेस को हम एक एक निकाल के इसमें अच्छे से रैप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप हर साइड से इस मैदे की कोटिंग इसमें लगा दें। बाकी के पीसेस भी मैं ऐसे ही रैप कर लेते हैं कोटिंग में। अब हमें एक बोल में ठंडा पानी मैंने लिया है, और अब जो मैंने कोटेड जो चिकन है इसको हम इसमें डिप कर लेंगे हल्का सा 1 या 2 बार। डिप करने के बाद इसको हम फिर से मैदे में कोट कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको हल्के हाथों से दबा के अच्छे से कोट कर रही हूँ कि मैदे को चारों साइड से अच्छे से आप लगा लें हल्का हल्का दबा के, जैसे ये मैं देखे ऐसे कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसको अच्छे से हमें ऐसे ही दबा दबा के सब साइड से कोट करना होगा मैदे में। तो ये देखिए तैयार हो गया है लेग पीस। बाकी के पीसेस को भी मैं ऐसे ही कोट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने से अच्छी लेयर्स इसमें दिख रही हैं। अब आइए इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं।
जब तेल गर्म हो जाए तब चिकन के पीसेस में डाल दें। और एक चम्मच से ऊपर से भी अब इसमें कोटिंग पे तेल ऐसे डालते रहें। अच्छा, इस टाइम पे इसकी आंच बहुत स्लो नहीं करनी है, वरना ये थोड़ा सा बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इस पे फ्लेम हम मीडियम पे ही रखेंगे। तो ये देखिए मैं कैसे ऐसे ऑयल इसमें पोर कर रही हूँ ऊपर से, ताकि कोटिंग अच्छे से हो जाए और टर्न करते टाइम ऊपर की कोटिंग हमारी निकले नहीं। तो इसको टर्न कर लेते हैं पीसेस को। इसको बहुत आपको नहीं टर्न करना है, बस एक एक बार आप टर्न करें, एक बार ऊपर से नीचे से, और ऊपर से आप स्पून से तेल डालते रहें गरम तेल। तो देखिए हमारा जो कोटिंग है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और चिकन भी अंदर से पक चुका है। देखिए इसका टेक्सचर, ऊपर की लेयर एकदम केएफसी टाइप की है। तो आजकल जब लॉकडाउन में सब लोग थोड़ा सा बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं, तो घर में ही आप ये केएफसी बनाएं और ये बच्चों को बहुत पसंद पड़ेगी। तो बाकी भी पीसेस हम ऐसे ही डीप फ्राई कर लेते हैं। तो तैयार है हमारा केएफसी स्टाइल फ्राइड चिकन। इसको आप इंजॉय करें फ्रेंच फ्राइज के साथ और सॉस के साथ। और ये रेसिपी आप ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका केएफसी कैसा बना। देखिए कितना जूसी और कितने अच्छे से ये अच्छे से वेल कुक्ड हो चुका है अंदर से। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।